बताता है देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर मेस्क्युलाइन जेंडर फेमेनाइन जेंडर कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर यहाँ जेंडर चार प्रकार के होते हैं मेस्क्यूलाइन फेमेनाइन कॉमन एंड न्यूट्रल लेट्स डिस्कस विद डेफिनेशन फर्स्ट इज मेस्क्यूलाइन जेंडर अ नाउन दैट रिफर टू अ मेल इज सेट टू बी ऑफ द मेस्क्युलाइन जेंडर मेस्क्युलाइन जेंडर हमें पुरलिन या पुरुष जाति का बोध कराता है फॉर एग्जाम्पल ब्रदर अंकल किंग हॉर्स ये सब मैस्कलाइन जेंडर में आते हैं क्योंकि ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं सेकेंड इज जेंडर अ नाउन दैट रेफर टू अ फीमेल इज सेट टू बी ऑफ द जेंडर जो जेंडर हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं वो जेंडर होते हैं जैसे सिस्टर आंट, क्वीन, मेयर, दे ऑल आर जेंडर। इन्हें रीड करने पे हमें पता चल रहा है कि हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर नाउन दैट रिफर टू अ मेल और फीमेल बी द कॉमन जेंडर जब हम मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं तब हम कॉमन जेंडर का यूज़ करेंगे और वो जेंडर कॉमन जेंडर होंगे जैसे स्टूडेंट टीचर फ्रेंड चाइल्ड इन सबको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि फीमेल है या मेल है इसीलिए हम इन्हें कॉमन जेंडर कहेंगे नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर नाउन दैट रेफर टू अ थिंग विदाउट लाइफ नाइदर मेल और फीमेल इट्स ऑफ द न्यूट्रल जेंडर ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद या रीड करने के बाद ना आपको मेल ना फीमेल का पता लगे और वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो तो हम उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बुक टेबल डॉल टू ये सब नॉन लिविंग थिंग है लेकिन न्यूट्रल जेंडर होती हैं क्योंकि ना ये मेल है ना फीमेल सम एग्जाम्पल ऑफ जेंडर नेफ्यू नीज Husband, wife, boy, girl, cock, hen, dog, bitch, lion, lioness, horse, mare, peacock, pehen, actor, actress, prince, princess. They are example of gender. So students, they all are gender and its type of lesson. Four till then. Goodbye. We will meet again.